हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। हमने इसके पहले पहला वीडियो बनाया था कि डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमारा दूसरा वीडियो था परम्यूटेशन के ऊपर, एंड ये थर्ड वीडियो है कॉम्बिनेशन के ऊपर। देखो, समझने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, एकदम शांति से सुनना है, एंड पॉसिबल है तो आप नोट भी कर सकते हो चीज़ों को। देखो, पहले ही मैंने बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन इसका मतलब बस सिलेक्शन है, एंड इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। ऑर्डरिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं कॉम्बिनेशन का, तो आपके दिमाग में आइडिया और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखो, मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट है, या तीन नंबर लेते हैं, 1, 2, 3। अब मैं यदि पूछ रहा हूँ आपको, या मुझे किसी ने पूछा है कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स में आप दो ऑब्जेक्ट्स उठाओ या सिलेक्ट करो, और वो आप कितने में से कर सकते हो, तीन में से दो नंबर। मेरे पास पहला चॉइस होगा 1, 2, दूसरा चॉइस होगा 2, 3, एंड तीसरा चॉइस होगा 1 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, जब सिलेक्शन की बात आती है ना, तो जब सिलेक्ट करने को बोलते हैं, तब ऑर्डर का कुछ मतलब है क्या? नहीं ना। लाइक, दो नंबर मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो 1 सिलेक्ट किया पहले या बाद में 2 किया, या पहले 2 किया बाद में 1 किया, तो कोई मतलब नहीं ना। देखो, दो सिलेक्ट करने हैं, इसका मतलब बस हमें सिलेक्ट करना है, इसमें ऑर्डरिंग का कोई मतलब नहीं है। यानी 1, 2 एंड 2, 1 यहाँ एक ही है, 2, 3 एंड 3, 2 एक ही है, 1, 3 एंड 3, 1 एक ही है। तो ये चीज़ें दिमाग में चाहिए। तो ये कितने आ गया नंबर, दी 3 नंबर में से 2 नंबर सिलेक्ट करने का काउंट आ गया हमारा 3। और हमारा फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का, देखो, एन चूज आर, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन। यदि आर ऑब्जेक्ट्स उठाने हैं मुझे आउट ऑफ एन, तो इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब जो ऊपर वाला प्रॉब्लम हमने किया है, सेम आंसर आता है नहीं, चेक करते हैं। देखो, एन की वैल्यू है यहाँ 3, एन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके, तो हमें निकालना है एन 3 चूज 2। तो बाय फॉर्मूला आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, यानी 3 माइनस 2, तो ये आएगा 1 फैक्टोरियल, एंड आर की वैल्यू है 2, तो ये 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल आता है 6, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 3। तो जो हमने ये किया ना, ये फॉर्मूला सीधा कर देता है। तो अभी जब प्रॉब्लम आएगी मेरे सामने, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि हर टाइम लॉजिक लगाते बैठा। लॉजिक तो आपको पता चाहिए, बट फार्मूले से डायरेक्ट आंसर आ जाता है ना, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो आपको समझ में आएंगे। देखो, और एक चीज़ जो मैंने परम्यूटेशन के वीडियो में बताई थी, जब जब एंड आएगा तब तब मल्टीप्लिकेशन का रोल है, और जब जब और आएगा तब तब एडिशन का रोल है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब एडिशन। क्रिस्टल क्लियर चाहिए दिमाग में, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और का मतलब एडिशन। देखो, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1, आउट ऑफ 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स वी हैव टू सिलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एंड आ गया, हाउ मेनी वेज आर देयर। देखो, दिमाग के अंदर चाहिए क्या है, सिलेक्ट करने को बोला है, 3 बच्चे उठाने हैं 10 में से बॉयज यानी, और 8 में से 3 गर्ल्स उठानी है हमें, या सिलेक्ट करनी है। अब टोटल हमें 6 सिलेक्ट करने हैं, 3 बॉयज चाहिए, 3 गर्ल्स चाहिए। अब मैं यदि पूछूं आपसे, मेरे पास 10 बॉयज है, एंड 10 बॉयज में से मुझे 3 बॉयज
सिलेक्ट करने हैं तो मेरा फॉर्मूला जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था वो लगेगा ना, 10 choose 3, और वो लॉजिक आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड यदि मुझे 8 गर्ल्स है उसमें से 3 गर्ल्स को पिक करना है या सिलेक्ट करना है तो कितने वेज हो गए, 8 choose 3। अब बीच में एंड है ना, और होता तो प्लस कर देते, बट एंड है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये आपका आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करो बाद में, ठीक है। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको समस्या आनी चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो थोड़ा ना लिटिल बिट ट्रिकी नहीं बोल सकते हम उसको, लेकिन थोड़ा हल्के सी कंडीशन में ऐड कर देता हूँ। एक देखो, दूसरा एक एग्जांपल है, अ कमिटी ऑफ टेन पीपल हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, हाउ मैनी वेज आर देयर। देखो पहले दिमाग में चाहिए 10 लोगों की कमेटी बनानी है, 10 लोगों की कमेटी, कितने बॉयज है, 8 बॉयज एंड 6 गर्ल्स में से, ठीक है। अब देखो कंडीशन दो दी है, पहली कंडीशन है सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेम चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, बॉयज 5 चाहिए एंड गर्ल्स भी 5 चाहिए, तभी सेम होगा ना, तभी सेम नंबर ऑफ बॉयज। इसका मतलब क्या है, हमें 8 बॉयज में से 5 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो मैं लिखता हूं देयर आर 8 choose 5 ways आर देयर, एंड 10 लोगों की कमिटी फॉर्म करनी है। तो देखो अब मैंने 5 बॉयज लिए, अब एंड होगा या और होगा, 10 लोग तभी बनेंगे ना जब एंड होगा, गर्ल्स भी होगे 5 या और होगा, और तो नहीं चलेगा। तो एंड 5 गर्ल्स कितने में से, 6 में से, तो 6 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स सिलेक्ट करने का तरीका 6 choose 5 ways आर देयर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इंटरेस्टिंग है, एट लीस्ट 3 गर्ल्स आर देयर, एट लीस्ट 3 गर्ल्स आर देयर, इसका क्या मतलब है, देखो ढंग से सुनो, एक मैं ना टेबल बनाता हूँ समझाने के लिए। कमिटी तो बनेगी दस लोगों की, यहाँ मैं लिखता हूँ गर्ल्स, यहाँ लिखता हूँ मैं बॉयज, एटलीस्ट 3 चाहिए तो 3 चलेगा, 3 गर्ल्स लिए तो बॉयज कितने चाहिए, 7, 4 गर्ल्स लिए तो बॉयज हो गए 6, 5 गर्ल्स लिए बॉयज हो गए 5, और आखिरी 6 सारे के सारे गर्ल्स लिए तो बॉयज हो गए 4, क्योंकि 10 तो बनने ही चाहिए। एक तो ये कॉम्बिनेशन चलेगा और ए चलेगा और ए चलेगा और ए चलेगा, क्योंकि 10 ही फॉर्म करने ना, तो इनमें से कोई भी एक चलेगा। अब कितने वेज है 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स चूज करने के, देखो 7 बॉयज तो हम निकालेंगे 8 बॉयज में से एंड 3 गर्ल्स निकालेंगे 6 गर्ल्स से, तो कितने वेज हो गए इसके, ये हो गए 8 choose 7, इंटू क्यों आएगा, क्योंकि 10 काउंट होना चाहिए, एंड इज मस्ट, एंड गर्ल्स कितने, 6 choose 3। अब प्लस आएगा, क्यों प्लस आएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन चलेगा नहीं तो ये चलेगा, तो अभी 6 बॉयज चाहिए, बॉयज कितने हैं टोटल, 8 बॉयज, उसमें से चूज करो 6 एंड 6 गर्ल्स में से चूज करो 4, ठीक है, प्लस दूसरा चलेगा नहीं तो और। अब मैंने पहले बोला है और के लिए एडिशन एंड के लिए मल्टीप्लिकेशन, ये तो किया हमने ऑलरेडी, 8 choose 5 into 6 choose 5, प्लस लास्ट वाला क्या है, 8 बॉयज में से 4 बॉयज चूज करने के वेज इंटू 6 गर्ल में से 6 गर्ल चूज करने के वेज। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ये पूरा कैलकुलेट करो, आपको जो आंसर आएगा वो आप लिख दो। आई थिंक आइडिया तो माइंड में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए इससे।
और एक एग्जांपल लेंगे तो आपका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखो थोड़ा आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल में ना थ्योरेटिकल लिखने में टाइम जाएगा। 52 कार्ड्स है मेरे पास, 52 कार्ड्स है, प्लेइंग कार्ड्स, एंड वी हैव टू चूज 4 कार्ड्स। तो कितने वेज हो गए? इसका तो डायरेक्ट आंसर आता है 52 में से 4 चूज करने हैं, तो 52 चूज 4, यानी इसको लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। आप कैलकुलेट करो, नहीं किया तो भी चलेगा। अब कंडीशन है, कंडीशन पहली है 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। अब देखो देर आर 4 डिफरेंट सूट्स, 52 कार्ड में से 4 डिफरेंट सूट होते हैं, स्पेड, हर्ट, और क्या होता है, ठीक है, जो 4 सूट्स होते हैं उसमें से आपको क्या करना है, सेम सूट्स में से चारों के चारों आने चाहिए, सेम सूट में से चारों के चारों आने चाहिए। मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगा, यस 52 कार्ड्स में से 4 सूट कौन से होते हैं? एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है हॉट, एक होता है स्पेड, ठीक है। अब हर्ट एंड डायमंड दोनों के दोनों क्या होते हैं? रेड होते हैं, और क्लब एंड स्पेड क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब 4 सूट है, 4 क्या पूछा है हमें कि चारों के चारों कार्ड सेम सूट के चाहिए। तो मैं अभी हर एक में क्लब में 13, डायमंड में 13, हर्ट में 13, स्पेड में 13 हो गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सारे के सारे क्लब में से चूज़ किए 13 चूज़ 4, या सारे के सारे चूज़ किए डायमंड से, या सारे के सारे चूज़ किए हर्ट से, या सारे के सारे चूज़ किए स्पेड से। तो एक तरीका है, यानी ये दिस इज़ द फाइनल आंसर। तरीका क्या, और है, पहले में से सारे निकालो, या दूसरे में से सारे 4 निकालो, या तीसरे में से, या चौथे में से, और है इसलिए एडिशन। अब दूसरा, 4 कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट, यानी हर एक से एक ही निकाल सकते हो। तो कितने वेज है? 13 चूज 1, क्योंकि क्लब है 13 कार्ड्स, 13 में से आप एक ही निकालना है, क्योंकि 4 सूट्स में से 4 सूट है, 4 कार्ड निकालने हैं, तो अलग अलग सूट से एक एक चाहिए। अब और लगेगा एंड, 4 कार्ड तभी बनेगा ना जब हर में से एक निकलेगा, यानी एंड होगा, तो हर में से एक, हर एक इसमें से एक, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। तीसरा, कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। अब 26 रेड 26 ब्लैक, तो आप 26 में से 4 निकाल सकते हो रेड में से, या और 26 में से आप 4 निकाल सकते हो जो ब्लैक में से, और है, दोनों में कोई भी चलेगा, एडिशन आ गया क्योंकि और है, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशियंट है। फास्ट यदि हो रहा है ना तो आप मुझे थोड़ा कमेंट में डाल दो कि सर टेक लिटिल बिट स्लो, बट आई थिंक इतना सा सफिशियंट है आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर